प्रथम तहलका न्यूज की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। आपको बता दें कि वकीलों ने मामले में सभी आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वकीलों ने एसपी का पुतला भी जलाया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आपको बता दें कि वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। वकीलों ने मामले में सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसपी का पुतला भी जलाया गया। आपको बता दें कि आरोपितों की गिरफ्तारी ना होने तक हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पलवल से आ रही है, जहां वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। और आपको बता दें कि वकीलों ने मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसपी का पुतला भी जलाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने तक हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पलवल से आ रही है। की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। आपको बता दें कि वकीलों ने मामले में सभी आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वकीलों ने एसपी का पुतला भी जलाया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आपको बता दें कि वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। वकीलों ने मामले में सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसपी का पुतला भी जलाया गया। आपको बता दें कि आरोपितों की गिरफ्तारी ना होने तक हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पलवल से आ रही है, जहां वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। और आपको बता दें कि वकीलों ने मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसपी का पुतला भी जलाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने तक हड़ताल जारी रखने की भी चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पलवल से आ रही है। जिला बार एसोसिएशन पलवल में चौथा दिन है और अभी तक हमारे वकील साहब भगत सिंह भोसवाल फुलवाड़ी गांव से, उनके बेटे डॉक्टर रवि सिंह भोसवाल की जो मर्डर हुआ था, उसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और इसी संदर्भ में कल पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी हड़ताल थी। इसके बावजूद अभी हमारे पास कोई प्रशासन की ओर से कोई कॉल नहीं आई है और ना ही कोई आश्वासन आया है। बिल्कुल बहुत ही ढीला रवैया एसपी पलवल का है और उन्होंने कल टाइम भी दिया था कि शाम को आप ऑफिस में आना और जो आपकी मांगे हैं पूरी करूँगा। उसके बावजूद वहाँ से वो गायब हो गए और अभी तक उनका कोई आश्वासन नहीं आया है। इसी संदर्भ में हम आईजी साहब से मिलने जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमारा कल से हमारा प्रदर्शन रहेगा। देखो, एडवोकेट भगत सिंह के बेटे की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन जिले का कातिलों को बचा रहा है, सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। और जब तक कातिल जो है अरेस्ट नहीं होंगे सारे के सारे, जब तक हमारी हड़ताल चलती रहेगी। और अभी तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में हड़ताल हुई है। ऐसा भी हो सकता है हमें ये बार कौंसिल की मदद लेनी पड़े और पूरे देश में इस हड़ताल को फैलाना पड़े। ये कुशासन है, तानाशाही है, मनमर्जी है पुलिस प्रशासन की। और हमारी हड़ताल जब तक जारी रहेगी शांतिपूर्वक, जब तक कातिलों को अरेस्ट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मेरा नाम काजल देवतिया है, मैं पलवल बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करती हूँ। सर, हमारे यहाँ पे सीनियर एडवोकेट है भगत सिंह भोसवाल, जिनके बेटे का मर्डर किया गया है, लेकिन पुलिस उसमें कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। हमने सारे मतलब कोशिशें कर ली है, जिनके बावजूद भी पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके लिए हमने यहाँ पे हड़ताल करी है। हड़ताल को ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे हार के वकीलों ने अपने साथी वकील को सहयोग देने के लिए आज संपूर्ण लॉकडाउन किया है इस कोर्ट में, जिसके लिए कोर्ट के बाहर ताला लगा दिया गया है और सबको रोक दिया गया है। जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक कोर्ट में कोई काम नहीं होगा।